भलो भला इही पै लहई लहई नीचा इही नीचू भलो भला इही पै लहई लहई नीचा इही नीचू सुधा सरा इही अमरताम गरल सरा ही नीचू। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है तो वहीं विष मारने में काम आता है। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा श्री। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम रामचरितमानस की चौपाइयों की अगली कड़ी में आपको एक ऐसी चौपाई बताने जा रहे हैं जो रोग के विनाश के लिए आप इसका पाठ नित्य कर सकते हैं। रामचरितमानस में हर समस्या के समाधान विद्यमान है। ज़रूरत है इन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन की, समझ की और अपनी संपूर्ण आस्था इनमें रखने की। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में धरती से अत्याचार और पाप का अंत करने के लिए राजा दशरथ के घर सातवें अवतार के रूप में जन्म लिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के जीवन और उनके राम राज्य पर पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की चौपाइयाँ केवल शब्द ही नहीं हैं बल्कि मानव कल्याण का साधना भी हैं। इन चौपाइयों के जप से आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। राम कृपा नाश ही सब रोगा, राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने ही संजोगा। हालांकि जो वायरस इस वक्त फैला हुआ है उसकी जब तक वैक्सीनेशन नहीं की जाती तब तक किसी को राहत नहीं मिलती, लेकिन इस चौपाई के प्रयोग से आप रोगों की आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। इनके नियमित जाप से आप लाभान्वित हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात भगवान में आस्था की है। आप अपने आस्था को बनाए रखें, नियमित इसका जप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इन्हीं तरह इसी प्रकार की धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई बहुमूल्य मंत्रों और जानकारियों से लाभान्वित होने के लिए, और हमें फॉलो करते रहें।